2018 में चुनाव के संपन्न होने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने ठेकेदारों से कई निर्माण कार्य संपन्न कराए थे, जिनमें से अधिकांश ठेकेदारों को कार्य पूरा होने के बाद रकम दे दी गई थी, लेकिन कुछ ठेकेदारों को 3 वर्ष बाद भी निश्चित धन राशि नहीं दी गई, जिससे गुस्साए ठेकेदारों ने नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और बकाया राशि देने की मांग की। वहीं राशि नहीं दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के डोईवाला में नगरपालिका प्रशासन ने ठेकेदारों से कई निर्माण कार्य कराए थे, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 3 वर्ष बाद भी नगरपालिका प्रशासन ने ठेकेदारों को उनके काम के पैसे नहीं दिए, जिसके चलते सभासद मनीष कुमार धीमान के नेतृत्व में ठेकेदारों ने नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में काम के पैसे देने की मांग की, साथ ही मांग पूरी न किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं सभासद मनीष कुमार धीमान ने कहा कि 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी ठेकेदारों ने जो निर्माण कार्य किया था उनके कार्य का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ठेकेदारों को बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्ज लेकर नगरपालिका में निर्माण कार्य किए हैं, इसके बावजूद भी नगरपालिका प्रशासन ठेकेदारों को उनके हक का पैसा नहीं दिया है। सभासद मनीष कुमार धीमान ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन का रवैया ठेकेदारों के प्रति सही नहीं है, जिसका खामियाजा ठेकेदारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार जाकिर हुसैन व सत्येंद्र कुमार ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन कुछ ठेकेदारों को उनकी देय रकम ना दिए जाने के लिए बहाना बनाकर टालमटोल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका कुछ ठेकेदारों को काम होते ही पैसा दे देती है, ऐसे में नगरपालिका के दोहरे रवैये से ठेकेदारों को परेशानी हो रही है। आज हमने असल में यहाँ पे एक अधिशासी अधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें अगर आप देखें नगरपालिका बनने के बाद वर्ष 2019-20 और 20-21 में जिन ठेकेदारों ने नगरपालिका में काम किए हैं उनको आज तक उनकी देय धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कुछ ठेकेदारों से पालिका प्रशासन के तत्कालीन अधिकारियों ने सीमा से अधिक काम कराया, जितना उनको पहले काम आवंटन हुआ उससे अधिक काम कराया, किंतु उसका भी पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। आज आलम यह है कि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो बेचारे कर्ज पर लेकर नगर पालिका में काम करते हैं और उनका गुजर बसर पारिवारिक इजी काम करने के बाद ही चलता है। अब वो बेचारे या तो कर्ज देंगे लोगों को या अपना परिवार पालें, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। और यदि आप देखें पालिका प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही तो कर ही रहा है, क्योंकि आगे कई लोगों को पेमेंट मिल चुकी है। अगर आप जानकारी नगर पालिका से लें तो कई लोग ऐसे हैं जिनको लगातार काम करने के तत्काल बाद एकदम पेमेंट मिल जाती है, या तो उनसे इनकी साठगांठ अच्छी है या फिर इन लोगों से दुश्मनी अच्छी है, दो में से एक ही काम हो रहा है। तो पालिका प्रशासन से मेरी मांग यही है, इनके दर्द को समझें, इनकी पीड़ा को समझें, ये ना करें इनके साथ राजनीति करके इनको पेमेंट टाइम से नहीं दी जा रही है, इनको जल्दी पेमेंट दी जाए ताकि ये लोग अपने जो भी कर्ज हैं और जो पारिवारिक जिनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सकें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।